कोल्हापुर से सातारा के बीच में दौड़ने वाली ट्रेन में स्थानीय आम नागरिक बड़ी संख्या में सफ़र करते हैं। फिलहाल इस रूट पर दिन में 2 बार गाड़ी चलती है। यात्रियों के भीड़ को देखते हुए पिछले कई सालों से इस मार्ग पर और एक गाड़ी चलाने की मांग है। ऐसे में इस रूट पर अब नई डिज़ाइन की हुई डेमो गाड़ी शुरू की है। दिखने में गाड़ी का लुक बहुत खूबसूरत है। शुरुआत में तो कई नौजवानों ने गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी की थी, लेकिन जहाँ तक इस गाड़ी से सफ़र करने का सवाल है, पहले ही गाड़ी में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अभी ये गाड़ी पकड़ना हर एक के बस की बात नहीं रही। पहले चल रही गाड़ी में 12 डिब्बे हुआ करते थे, इस नई गाड़ी में 8 डिब्बे ही है। पुरानी गाड़ी में बैठने के लिए सीट की साइज़ भी बड़ी थी, सामान रखने के लिए जगह भी थी, लेकिन इस गाड़ी में बनी सीट छोटी है और 2 सीटों के बीच में जगह भी बहुत कम है। इसके कारण यात्रियों को वहाँ खड़े भी नहीं रहा जाता। एक डिब्बे में साधारण 300 व्यक्ति सफ़र करते हैं। ऐसे में इस गाड़ी में जो टॉयलेट बने हुए हैं, वो टॉयलेट का भी भीड़ के कारण इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इस गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी है वो भी ठीक नहीं है, इसलिए इस गाड़ी को बंद कर पुरानी गाड़ी शुरू करने की मांग यात्रियों की तरफ से हो रही है और यात्रियों द्वारा कोल्हापुर स्टेशन पर स्टेशन डायरी में शिकायत भी दर्ज की गई है। मैं पिछले 2 बरस से इस ट्रेन से आ जा रहा हूँ। सांगली कोल्हापुर में ट्रैवल करता हूँ और पहले जो ट्रेन आती थी उस ट्रेन में हम कंफर्टेबल बैठ सकते थे। अभी लेकिन वो ये नया ट्रेन शुरू हो गया है डेमू करके, उसमें बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं है, लगेज रखने के लिए अच्छी जगह नहीं है। तो जो भी इन्होंने किया है वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है और स्टैंडिंग ज़्यादा लोग आते जाते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है। पुरानी ट्रेन में बहुत जगह थी, स्पेस थी, उधर ऊपर बैठने के लिए स्पेस थी, ऊपर लगेज रखने के लिए स्पेस थी, इधर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसमें डब्बे 8 है, डब्बे की संख्या कम है। पिछली जो ट्रेन थी उसमें 12 डब्बे थे, तो कंफर्टेबल आ सकते थे, जा सकते थे। ये ट्रेन हमको कुछ अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।